तो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं गेहूं के आटे से बने नमक पारे, जो बनाना भी आसान है और खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। एक बार बनाकर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें तो ये महीनों तक खराब नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से टिप्स देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दें, उसमें डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच सरसों तेल। आप सरसों तेल की जगह घी या रिफाइंड भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देते हैं और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं। तिल डालने से कि आपके नाश्ते और भी अच्छे टेस्टी लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और इन तीनों को डालकर इसे भून लेते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, ताकि इसके कच्चापन निकल जाए। जब कुछ सेकेंड्स हो जाते हैं तब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च क्रश करके डाल देते हैं। कट करके नहीं डालें, क्रश करके डालें और डालकर इसे भूंज लेते हैं, ताकि अदरक और हरी मिर्च का भी कच्चापन निकल जाए। तो कम आंच पर इन सभी को भूंज लिए हैं। जब कुछ सेकंड्स हो जाए तब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालकर इसे भूंज लेते हैं। चिली फ्लेक्स डालकर भूंजने से है कि इसमें कच्चापन नहीं रहते हैं, तो इसीलिए चिली फ्लेक्स डालकर इसे भून लें। जब भून जाए तब इसमें पानी डाल देते हैं। तो घर का कोई भी कटोरी या गिलास ले सकते हैं, उसे 1/2 कटोरी से थोड़ी सी कम पानी डाल दें और पानी डालकर इसे मिला लिए। जब मिला ले तब इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती बारीक कट करके इसमें डाल दें, और डालकर 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। डालकर इसे मिलाकर चला लिए। जब अच्छे से मिलाकर चला ले तब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक स्वाद अनुसार डाल दें और डालकर इन सभी को मिलाकर चला लिए, ताकि जब ये अच्छे से मिल जाए, जब ये अच्छे से मिल जाए मिलाकर चला ले तब हम इसमें डाल देते हैं गेहूं का आटा। जिस कटोरी से पानी डाले हैं ना, उसी कटोरी से हम गेहूं का आटा डाल दें और आटा डालकर इसे भूंज लेते हैं। मैनेजमेंट सही रखेंगे तो आपके नमक पारे बहुत अच्छे टेस्टी करारेदार बनेंगे। तो देखिए, आटा डालकर इसे भूंज लिए 2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर हमें भूंजने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट ही भूंजे हैं कि इसके कलर देखिए कुछ चेंज हो गए हैं। तो ये नाश्ता बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके नमक पारे बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। तो जब 2 मिनट हो जाए तब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, जिसे बिहार में मंगरैला भी कहते हैं। तो मंगरैला डालकर इसे मिला लिए हैं, भूंजना नहीं है, बस सिर्फ इसे मिलाना है। और मिलाने के बाद देखिए, जब आटे भून जाते हैं, सारे मटेरियल भून जाते हैं, तो कुछ इस तरीके के ऐसे लगते हैं। तो जब इस तरीके के हो जाएं, कलर चेंज हो जाएं, तो चूल्हे को बंद कर देते हैं और दूसरा काम करते हैं। तो 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लेते हैं, उसे कद्दूकस कर लें और कद्दूकस करके इसको मैश कर लेते हैं। इस तरीके का नाश्ता बनाएं तो आलू को कद्दूकस करके और मिलाकर ही बनाएं, ताकि इस आलू के बड़े टुकड़े न रहें। आलू में डाल देते हैं ये आटे को, जो आलू मैश करके रखे थे ना, उसमें हम ये गेहूं के आटे जो भूंज कर रखे थे उसको हम इसमें डाल देते हैं आलू में, और डालकर इसको मिला लेते हैं, यानी कि दोनों को गूंथ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सारे मटेरियल आटे में डालकर ही आलू को कद्दूकस करके मैश कर सकते हैं, यानी कि गूंथ सकते हैं। तो उस तरीके से बनाते तो आपके नमक पारे टेस्टी नहीं बनते, इसलिए हमने सारे मटेरियल को भूंज कर, आटे को भूंज कर बनाया। इससे है कि आपके नमक पारे कम तेल में भी टेस्टी भी लगेंगे और खाते भी रहेंगे। इसलिए हमने आलू में आटे को डालकर इसे देखिए गूंथ लिए। हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आलू के मॉइस्चर से ही ये गूंथ जाते हैं। तो ये हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिए और गूंथ कर देखिए, जब गूंथ जाते हैं तो कितने टाइट से रहते हैं, देखिए ऐसे। अब बाउल से निकाल लेते हैं और बाउल से निकाल कर इसको फिर से मिला लेते हैं और गोल कर लेते हैं, बड़ा सा लोई कर लेते हैं। इसे गूंथ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा सा लोई बना लिए और लोई बनाकर फर्श पर रख देते हैं, और फर्श पर रख कर इसे बेलन से बेल लेते हैं, क्योंकि आटे में मोयन डले हुए हैं तो ये बेलने में भी आसानी होते हैं। किनारे से फट रहे हैं तो हाथ से इसे चिकना कर लेते हैं, और चिकना करते हुए इसे बेल लेते हैं। तो रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं। इसे बेलने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आटे भुने हुए हैं और ये सख्त हैं, इसलिए थोड़े टाइट हैं। तो देखिए, बेलन से हमने इसे बेल लिए, किनारे किनारे फट रहे हैं तो इसको कट करके साइड से निकाल देंगे। अब एक पिज्ज़ा कटर लिए, आप घर का कोई भी चाकू या पिज्ज़ा कटर ले सकते हैं। पिज्ज़ा कटर से इसको लंबाई में कट कर लेते हैं, तो 1/2 इंच या 1/4 इंच की दूरी पर इसको ऐसे लंबाई में कट कर लेते हैं, और लंबाई में एक साइड से कट करके दूसरे साइड से भी कट कर लेंगे। तो देखिए, कट करने के बाद कुछ इस तरीके के ऐसे लगते हैं।
और किनारे वाले भाग को थोड़ा पतला रखेंगे ताकि किनारे वाले जो दुरदुरे हैं उसे निकाल देंगे, वरना ये तेल में जाते ही फैल जाते हैं। और इसके फिर से लोई बनाकर कट कर लेंगे। देखिए एक निकाल कर दिखाते हैं आपको नमक पारे कितने मोटे हैं और लेयरदार हैं। तो इसे उठा उठा कर हम एक प्लेट में रख लेते हैं। आप हाथ से भी उठा कर रख सकते हैं या करची से भी उठा कर इसे रख सकते हैं, ये बहुत ही सख्त होते हैं। तो देखिए इसे उठाकर हम प्लेट में रख लिए। अब इधर हम गैस चलाकर कढ़ाई चला दिए तेल डालकर, तेल भी गर्म हो चुके हैं। तो गर्म तेल में हम नमक पारे को डाल देते हैं। तो देखिए इतना सारे नमक पारे हैं तो आधे नमक पारे इसमें डाल देते हैं। और डालकर अभी तो तेल गर्म है लेकिन जब नमक पारे डालेंगे तो गैस का आँच कम कर देंगे और कम आँच पर 10 सेकेंड तक छोड़ देंगे। उसके बाद इसे उलट पलट करेंगे। तो इसे उलटते पलटते इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने में हमें 7 से 8 मिनट आराम से लग गए हैं। जब दोनों साइड से यानी कि पूरे अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए तो इसे छन्नी से छान लेते हैं। ये नमक पारे बनाना बहुत आसान है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके नमक पारे अच्छे टेस्टी बनेंगे, लेयरदार बनेंगे और खास्ते बनेंगे। जैसे कि इसको तलना भी अगर तलेंगे कम आँच पर तो ये खास्ते बनेंगे, अगर तेज़ आँच पर तलेंगे तो ये टेस्टी नहीं बनेंगे। देखिए सारे नमक पारे तलकर हमने एक बर्तन में रख लिए हैं। तो इसे आप चाहे तो हरी चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और एक बार बनाकर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें तो ये महीनों तक खराब नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहां से देख रहे हैं ये भी लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक